हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का जो वीडियो है वो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नए हैं तैयारी में और ग्रुप सी लेवल की तैयारी, UK SSSC या UK PSC एग्ज़ाम्स के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, जो भी GS से रिलेटेड मैटर होता है वो आपको उपलब्ध कराने वाले बहुत सारे चैनल हैं, हज़ारों चैनल मिल जाएंगे आपको। और इसके अलावा जो भी छात्र 6 महीने तैयारी कर लेता है किसी भी कोचिंग में या किसी की गाइडेंस में, चाहे वो फ्रेंड से ही पूछे, किसी से भी पूछे, तो वो भी जान लेता है कि अब मुझे कितनी और तैयारी की आवश्यकता है ना। तो आज मैं उसकी बात नहीं करूँगा GS क्वेश्चंस की, आज बात करेंगे मोटिवेशन की। तो बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, मैक्सिमम 8-10 मिनट का होगा। ठीक है, तो मोटिवेशन में देखो क्या चीज़ें, अब खासकर तब जब मोटिवेशन की ज़रूरत कब पड़ती है, जब आपका कई बार आप एग्ज़ाम देते हो लेकिन वैसे मार्क्स नहीं आते हैं जैसे आप चाहते हो, है ना। तो सबसे पहले देखो आपने किया है टाइम मैनेजमेंट, है ना, मतलब आपको करना है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप तक अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है टाइम का। ठीक है, अगर आप एक नए छात्र हैं, है ना, बिगिनर हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं, अब शुरुआत कर रहे हैं तो आपको एक नए, इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप बिल्कुल नए हैं तो, है ना, आपने जैसे लूसेंट है या दृष्टि की बुक है, किसी से भी आपने GS पढ़ना स्टार्ट कर लिया, मान लीजिए आप 1 से 2 घंटे GS को दे रहे हैं, इसी तरह 1 घंटे आप 1.5 घंटे दे रहे हैं आप कम से कम उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड का पोर्शन लगातार, क्योंकि दोनों आयोग बढ़ाते जा रहे हैं और उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है तो पढ़ना है। फिर हिंदी है, हिंदी आप अपनी इच्छा अनुसार जितना मर्जी पढ़ रहे हैं, क्योंकि 100 मार्क्स के एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन हिंदी के आपके आते हैं। अब आपका किसी का तो पहले से एकेडमिक हिंदी इतना अच्छी होती है कि उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कई ऐसे होते हैं, देखो CBSE बोर्ड है तो या अदर बोर्ड से पढ़े हैं, इंग्लिश मीडियम हमेशा रहा है, लेकिन उत्तराखंड में एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उनको हिंदी पढ़नी पड़ती है ना। तो वो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार ही करोगे, चाहे 1 घंटा दे रहे जितना दे रहे। अब मान लो आपने मिला के 3-4 घंटे दिए और आपको 6 महीने हो गए, है ना, फिर आप टेस्ट लगाना शुरू करोगे। आपने पहले इजी लेवल के टेस्ट से ही स्टार्ट करना है। इजी लेवल का इसलिए करना है क्योंकि उसमें आपको हतोत्साहित ना हो जाओ, ठीक है ना। मान लो आपने 100 नंबर का टेस्ट दिया, नंबर उसमें आपके 15 आए, 10 आए, 20 आए, तो आपको लगातार ऐसे 3-4 टेस्ट दोगे तो आप हो सकता है तैयारी छोड़ दो कि मेरे तो कभी उस लेवल पे पहुंचूंगा नहीं जहां मेरिट जा रही है। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि जितने भी मेरिट के टॉपर होते हैं ना या जिनका भी नाम आता है, वो भी शुरुआत ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो मेरी शुरुआत भी ऐसी भी थी, और जब मैंने शुरुआत की थी, खैर वहाँ पर उस समय तो कोई ज़्यादा गाइडेंस भी नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन फिर औरों के लिए हमने थोड़ा गाइडेंस का काम किया, है ना। तो इसलिए वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो मेरे को एक्सपीरियंस है। एक तो टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, सबसे पहले समय देना है, ठीक है, और समय इस तरह से देना है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपके उसमें। ये नहीं कि फिर किसी दोस्त के शादी में चले गए, कुछ लंबा आपने गैप कर दिया, जब आप लंबा गैप कर देते हो तो दोबारा से क्या है, शुरू करना थोड़ा मुश्किल होता है। मान लो आप 10 दिन का गैप कर दिया आपने, तो फिर आप सोचोगे यार 10 दिन का तो ही गया, 4 दिन और कर देता हूँ, 2 ही हफ्ते हो जाएंगे अब तो, है ना, फिर 1 दिन और छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं जब करना ही है। लेकिन आपको अपने मन में ये होना चाहिए, जैसे आप जिम जाते हो या कोई और एक्टिविटी करते हो पैसे दे के, तो आपके मन में ये रहता है मुझे एक भी दिन छोड़ना नहीं है, है ना। तो ऐसे यहाँ पर होना चाहिए कि मुझे एक भी दिन मिस नहीं करना, चाहे आप जितना पढ़ें, भले ही उस दिन आप कम कर दें। मान लो आपने पर डे का टारगेट था 4 पेज, है ना, 4 पेज का टारगेट था, लेकिन किसी वजह से आज आपने 2 पेज किए, केवल 2 ही कर पाए आप, या बिल्कुल भी नहीं कर पाए, तो अगले दिन उसको रखना है कि मुझे कवर करना है। तो 1-2 दिन का गैप तो कवर हो सकता है लेकिन ज़्यादा दिन का नहीं। तो एक कंटिन्यूटी, ठीक है, पहला हो गया था टाइम मैनेजमेंट, दूसरा उसी में आ गया कि हर हाल में आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है, चाहे इसके लिए आपको सोशल मीडिया या अपनी दोस्ती यारी को कम करना पड़ेगा, है ना, लिमिटेड करना पड़ेगा। अब आप सोचोगे कि कोई कुछ बोलेगा, ये करेंगे वो करेंगे, तो बोलते लोग हमेशा ही हैं, और बेरोजगार व्यक्ति को तो बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं, है ना। आपको बहुत सारी तीखी बातें भी सुननी पड़ेंगी सोसाइटी की, समाज की, पड़ोसियों की, दोस्तों की, अपनों की भी सुननी पड़ेंगी, खुद फैमिली से भी आपको ऐसी बातें सुनने को मिल सकती हैं कि कब से तैयारी कर रहे हैं, कर रहे हो, है ना। तो धैर्य, यानी कि आपको अगर आप मान लो 4-5 पेपर दे दिए आपने, एवरेज आपका उसी में घूम रहा है, भाई आपने ठीक ठाक तैयारी कर ली, तभी भी कई बार क्या होता है कि 50-60 नंबर से ऊपर स्कोर जा नहीं रहा है, जबकि जो स्कोर है 65-70 प्लस होना चाहिए,
अगर आप जनरल में हो तो 70-75 मान लो, या आप कैटेगरी में भी हो तभी भी बहुत डाउन नहीं जा रही है मेरिट। आपने देखा होगा कि 10 नंबर के अंदर ही पूरा घूम जा रही है, क्योंकि अभी सभी लोग तैयारी में आ चुके हैं, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। एक ज़माना हुआ करता था कि 10% लोग, 5% लोग कोचिंग करते थे, आज उल्टा हो चुका है। 95% लोग, 90% लोग कोचिंग में है ना, गाइडेंस अच्छी मिल रही है। जिसको कोचिंग जाने का मौका नहीं मिल रहा वो यूट्यूब से सीख ले रहा है। तो मौके बहुत हैं, आपकी इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट और कंटिन्यूटी और आपका पेशेंस, धैर्य होना चाहिए। ये नहीं कि आपने पेपर ख़राब हो गया तो फिर आपने 2 महीने तैयारी छोड़ दी, 1 महीने छोड़ दी, तो उसका खामियाजा केवल आप ही को होगा और किसी को नहीं होगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो आपको जब अपना गुस्सा दिखाना है तो तैयारी बढ़ा के दिखाना है उल्टा, ये नहीं कि मैंने तैयारी छोड़ दी, ठीक है। किसी को सोशल मीडिया में भी फालतू वो नहीं लिखना है। देखो चीज़ें, कई बार हम अपनी एनर्जी वहाँ लगा देते हैं, तो वहाँ नहीं लगाना है, पॉजिटिव लगाना है। जब आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, जवाब सबको खुद ही मिल जाएगा, है ना। वहाँ मूड ऑफ नहीं करना है आपको। इसलिए अगला जो पॉइंट है देखो वो क्या है, पॉजिटिव एनवायरमेंट या पॉजिटिव अप्रोच, मतलब एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो पूरा देख रहे होंगे तो फिर आप यहाँ तक पहुँचोगे। पॉजिटिव सोच बहुत ज़रूरी है ना। मैंने खुद ही देखो बहुत लंबी तैयारी की, और 6-7 साल मैंने बच्चों को तैयारी करवाई भी है, इतने समय खुद के लिए भी पेपर देता रहा, और लास्ट में है ना, जैसे 2 ग्रुप सी के एग्ज़ाम और एक ये यही वाला, ये भी ग्रुप सी के अंदर ही आता है, VPDO का एग्ज़ाम क्लियर किया। तो जब आप कंटिन्यूटी में रहोगे, अगर मैं कुछ और फील्ड किसी वजह से ले लेता या तैयारी नहीं कर पाता, है ना, तो बहुत सारे छात्रों के साथ ये समस्या आ जाती है, छात्र छात्राओं के साथ, छात्र का मतलब यहाँ पे सभी के लिए हो गया, है ना। यह समस्या आ जाती है कि उनकी आर्थिक स्थिति भी कई बार बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं हो पाती, या घर वाले भी एक लिमिट तक ही दे सकते हैं ना भाई। आप मान लो कुछ कंप्यूटर कोर्स करते हो 1 साल का होता है, कोई कोर्स करते हो 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, BTech भी 4 साल का होता है, पर कंपटीशन ऐसी चीज़ है, कई बार होता है कि समय बहुत निकल जाता है, कई बार फॉर्म ही नहीं आते। हमारे समय तो ऐसी हुआ बहुत बार कि बीच का कई साल ऐसे निकल गए जब फॉर्म ही नहीं आए, आए तो भर्तियों में कई बार घोटाले हो गए, भर्ती टाइम पे नहीं हो पाई, प्रोसेस पूरी होने के बाद ही कैंसिल होगी, तो कई चीज़ें हो सकती हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे धैर्य जो बोला था वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप कई बार ये कर सकते हो कि फिर एक दो घंटे के लिए कुछ आप ऐसा काम पकड़ सकते हो साइड इनकम वाला, है ना। लेकिन कोशिश यही करना है कि अगर इसकी ज़रूरत ना पड़े तो, क्योंकि जितना आप ये वाला काम पकड़ोगे, पैसे कमाने का पकड़ोगे, उतना ही फिर डिस्ट्रैक्शन भी होगा और सिलेक्शन में दिक्कत हो सकती है। अगर आपने फुल टाइम जॉब पकड़ लिया, कोई मान लो आपने 8-6 घंटे की जॉब पकड़ी है, उसके बाद मैं ज़्यादातर जो मैंने अपने स्टूडेंट्स का ही व्यूज़ लिया, उनका रिव्यू लिया, तो वो यही बोलते हैं कि सर अब तैयारी नहीं हो पाती है, बस हम तैयारी के बारे में सोच पाते हैं। कोई व्यक्ति कंपनी में जॉब कर रहा है, कोई कहीं और कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में, तो आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल भी जॉब रिलैक्स नहीं होती है, बिल्कुल इंगेज करके रखते हो आप। जब 6-8 घंटे पूरे इंगेज हो फिजिकली मेंटली, तो घर जाके आप सोचोगे मैं पढ़ाई करूं, बहुत मुश्किल है, आपको थकान इतनी रहेगी, आप बुक खोलोगे सो जाओगे, है ना। तो साइड इनकम के लिए कुछ करना चाहते हो तो 1-3 घंटे वाला कुछ पकड़ो, जिससे आपकी बस इतना चले कि फीस वीस निकलती रहे, घर वालों पे ज़्यादा वो ना रहे, घर वाले ये ना बोलें कि अब क्यों तैयारी कर रहा है अभी तक। तो ये वाली चीज़ आप कर सकते हो, है ना। जब इतनी चीज़ें सब आप करोगे, ये चीज़ें लेके चलोगे, समाज से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई क्या बोल रहा है कि भाई तेरे को तो 3 साल हो गए, तेरे को 5 साल हो गए, तेरे को 2 साल हो गए, कुछ भी बोलें, तो उस चीज़ से अप्रभावित रहना है, और तब आपको लास्ट में सफलता मिलेगी। तो सफलता के लिए देखो यहाँ का रास्ता होता है, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा PDF में, तब आपको पता चलेगा वो चीज़ की यात्रा आप ही को मालूम होगी। लेकिन जो आपके है ना क्रिटिक्स बोलते हैं ना, जो आपको आलोचना करने वाले लोग हैं, उनको ये चीज़ें मालूम नहीं होती, वो तो है ना, या तो लोग लास्ट वाली चीज़ देखते हैं, भाई सफल हुआ या नहीं हुआ, रिजल्ट आया नहीं आया, ठीक है, वो ये चीज़ें नहीं देखते, आपने कितना टाइम दिया, कितनी बार कोचिंग छोड़ी, कितनी बार पकड़ी, क्या समस्या है। तो प्रत्येक छात्र के जीवन में अपने अपने चैलेंजेज होते हैं, कईयों की आर्थिक समस्या नहीं होती तो दूसरी होती है, ठीक है, ऐसे नहीं कह सकते, चैलेंज सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ है, इसलिए अपने चैलेंज को फेस करते हुए जो तैयारी के साथ तालमेल बिठाते हुए आगे चलता है, तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन एक चीज़ मैंने जो इतनी लंबी जर्नी रही मेरी, और उसमें मैंने जो सीखने को मिली है, जो मेरा अनुभव, कि तैयारी कभी भी देखो वेस्ट नहीं होती, वो है ना। जब मैंने खुद 2-3 साल तैयारी को दिए तो मुझे इस लायक में हुआ कि मैं पढ़ाने लगा बच्चों को, और आज 50 से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे ग्रुप सी में, इंडियन आर्मी में, या अलग अलग एग्जाम्स में निकले हुए हैं, पुलिस में अलग अलग सेवा दे रहे हैं, और फिर फाइनली मेरा भी खुद का सिलेक्शन हुआ, काफ़ी लेट हुआ, और ये बात मैं खुल के ही बोलता हूँ, हर चीज़ ऐसा कुछ वो नहीं है। यूट्यूब पे कई चीज़ों पे भी मुझे कई प्रकार के कमेंट आए, लेकिन मैंने उसको हमेशा पॉजिटिव लिया,
और उन्होंने कहीं ना कहीं फ्यूल का काम भी किया मेरे लिए। जैसे किसी ने बोल दिया भाई कि अभी इतना बूढ़ा हो गया भाई, अभी तक तैयारी करता रहेगा क्या, या कुछ भी बोला उन्होंने, तो मैंने उसको पॉजिटिव लिया ज़्यादातर कि यार बोल तो सही रहे, ये गलत क्या है ना। तो जो आपको कोई कुछ बोले तो उसको जवाब पेपर निकाल के ही देना है आपको, तभी आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। और कंटिन्यूटी तैयारी रखो आगे बहुत। अभी तो पिछले 1-2 साल से जो परीक्षाओं का माहौल है बहुत पॉजिटिव माहौल है उसमें तैयारी करने के लिए, है ना। हमने तो उस माहौल में भी तैयारी की जब कोई फॉर्म नहीं था, एक एक दो दो तीन तीन साल का गैप हो जाता था, कोई वैकेंसी नहीं आती थी, आती थी 10 वैकेंसी आई, 20 आई। और उत्तराखंड में कैसा माहौल रहा बीच में आपको पता है कि सीटें पता नहीं चलता था, कहाँ सेटिंग हो जाए, कहाँ क्या हो जाए, कहाँ कैंसिल हो जाए, कब भर्ती में क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा था, एग्ज़ाम समय पे नहीं हो रहे, कभी रिजल्ट आते थे तो कोर्ट चली जाती थी भर्ती सालों तक। तो अभी के हिसाब से मैक्सिमम भर्ती में हम देख रहे हैं कि वो भर्ती अपने अंजाम तक पहुंचती है, बच्चों को ज्वाइनिंग भी मिल रही है, बहुत एग्ज़ाम हुए। हमारे वाला 746 का एग्ज़ाम था, VPDO का था, पुलिस का था, फॉरेस्ट गार्ड है, और भी बहुत 10वें एग्ज़ाम कह सकते हैं हम। पिछले 2-2.5 साल का माहौल बहुत अच्छा रहा, है ना। तो इसलिए इसका फ़ायदा उठाओ और अपनी तैयारी बस कंटिन्यू रखनी है, किसी को भी देख के तैयारी छोड़नी नहीं है कि भाई उसका तो नहीं हो पा रहा, उसका ये नहीं हो रहा। तो आपको बस अपनी यात्रा रखनी है, अपने पे विश्वास होना चाहिए, और कोई चीज़ का कन्फ्यूज़न हो तो वो चीज़ आप पूछ भी सकते हो। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का, फिर आगे आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे।